नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 9 दिसंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच एक बार फिर कोरोना शहर में रिटर्न हो गया है। इस बार यह रेल के रास्ते सूरत से उज्जैन पहुंचा है। शादी समारोह से लौटे एक दंपत्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। वह शादी समारोह में शामिल होकर उज्जैन लौटे थे। दंपत्ति को माधव नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 51 दिन पहले उज्जैन में कोरोना का मामला सामने आया था। तब हवाई यात्रा के लिए कराए RT-PCR टेस्ट में संबंधित की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। घर पर ही होम आइसोलेट कर संबंधित का उपचार किया गया था। अब एक बार फिर दंपत्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद माधव नगर अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। शिप्रा की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए षड दर्शन साधु समाज गुरुवार से धरने पर बैठ गया। दत्त अखाड़ा घाट पर विधिवत पूजन के बाद संत समाज ने धरने का ऐलान किया। यह धरना शिप्रा के शुद्धिकरण तक जारी रहेगा। इंदौर की खान नदी के कारण शिप्रा नदी प्रदूषित हो रही है। शहर के नाले भी शिप्रा में मिल रहे हैं। इस वजह से शिप्रा का पानी स्नान तो छोड़िए आचमन लायक नहीं रहा। प्रदूषित पानी की समस्या से परेशान षड दर्शन साधु समाज ने धरने का ऐलान किया था। गुरुवार से इसे अमली जामा भी पहना दिया गया। तत् अखाड़ा घाट पर साधु संतों ने धरना शुरू किया। यह धरना तब तक चलेगा जब तक कि शिप्रा की पवित्रता का काम शुरू नहीं हो जाता। संतों का कहना है कि खान नदी से शिप्रा सबसे ज्यादा दूषित होती है। ऐसे में नहर के जरिए खान का पानी कालियादेह पैलेस की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए ताकि शिप्रा प्रदूषित नहीं हो। पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अभी विधानसभा 20 तारीख को वापस विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। फिर मैंने चौथी बार इस विधानसभा में मध्य प्रदेश की गुंगी भेड़ी सरकार को जगाने के लिए फिर मां छिपरा के लिए क्वेश्चन लगाया है। उज्जैन जो है विश्व के सभी तीर्थों से तेल भर बड़ा स्थान उज्जैन का है। इससे बड़ा तीर्थ स्थान विश्व में कहीं पर नहीं है। गंगा जी पाप नाशनी है, छिपरा मोक्षदायिनी है और मोक्षदायिनी नदी की क्या हालत है ये आप सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। इसके लिए हमने कहा था कि खुली नहर बनाई जाए ताकि काश्तकार पानी भी उसका उपयोग कर ले और दूसरा कभी चोक न हो। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगता है इसलिए नहीं बना पाएंगे और उन्होंने उस बात को साधु संतों की बात को न मानते हुए भूमिगत पाइपलाइन डाली जो चोक हो गई। 90 करोड़ की योजना बिल्कुल बेकार चली गई। साधुओं के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में सरकार बनी हुई है और साधु के ही आशीर्वाद से हिंदू का एजेंडा लेके हिंदू का नाम लेके भगवा झंडा का नाम लेकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सरकार जो है भारतीय जनमानस के मानवा अधिकार का हनन कर रही है। और हम साधु समाज आज धरने पे बैठे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और उज्जैन की शासन प्रशासन की व्यवस्था कहीं न कहीं बहुत ही निचले स्तर पर अपनी जवाबदारिता को भूलकर किसी दूसरे दिशा में मेहनत कर रही है। मध्य प्रदेश की शासन एवं मध्य प्रदेश की प्रशासन को सरदर्शन साधु समाज की ओर से निवेदन नहीं साधु समाज का आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन प्रशासन को कि तत्काल एक बैठक बुलाकर मां छिप्रा को शुद्धिकरण करने का एक प्रस्ताव पास करें, लेकिन लिखित में हमें मुखित नहीं चाहिए। हादसों के लिए कुख्यात हो चुके कानीपुरा रोड पर गुरुवार की सुबह एक और हादसा हो गया। एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल गुरुवार को यह हादसा बदरखा और उंडासा के बीच गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। ग्रामीणों ने 108 और एम्बुलेंस को सूचना दी लेकिन 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। इनका कहना था कि आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन इन्हें रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। दोस्त की बारात में डांस करते हुए एक युवक को हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार सुबह PM करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम पंकज पिता निर्भय सिंह और उम्र 23 साल है। वह देवास रोड स्थित सिलार खेड़ी का रहने वाला है। पंकज शराब कंपनी में काम करता था और स्टाफ के ही एक युवक की बुधवार को शादी थी। बारात गोपी गार्डन जा रही थी। इसी बीच अवंती अस्पताल के सामने नाचते नाचते अचानक वह गिर गया। बारात में शामिल लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक संभवत हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। दिलगंगा पुलिस ने गुरुवार सुबह PM करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कल ये शराब कंपनी में काम करता है। कल स्टाफ में ही लड़के की शादी थी।
गोपी गार्डन में जा रहा था, बारात जा रही थी, नाश्ते गाते जा रहे थे सब, अचानक नाश्ते नाश्ते समय अचानक गिर गया। शायद वही तुरंत अस्पताल CHL अपोलो अवंती अस्पताल जो है वर्तमान में वहां ले गए थे, लेकिन बच नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। ये सब प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि उसकी अटैक आने से मृत्यु हुई है। सेठी नगर से दो दिन पहले चुराई कार रेलवे स्टेशन क्षेत्र से बरामद कर ली गई है। आशंका है कि चोर बाहरी थे और वह रेल के जरिए बाहर चले गए। सेठी नगर क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी सतीश पाटीदार के घर चोरी की वारदात हुई थी। चोर 2 किलो चांदी और सतीश पाटीदार की कार चुरा ले गए थे। पाटीदार की चिमनगंज मंडी क्षेत्र में पंप की दुकान है। CCTV फुटेज में दो युवक कार चुरा कर ले जाते दिखाई दिए थे। उद्यान मार्ग तक इनकी लोकेशन देखी गई थी। बाद में यह कार रेलवे स्टेशन से बरामद की गई। ऐसे में आशंका यह सामने आ रही है कि आरोपी स्टेशन पर कार छोड़कर ट्रेन से फरार हो गए होंगे। शिवाजी पार्क में बुधवार की शाम महिला से चेन खींचने की कोशिश करने वाले स्नेचर का अब तक पता नहीं चला है। स्नेचर महिला की चेन तो नहीं ले जा पाया था, लेकिन वह पैंडल ले गया था। शिवाजी पार्क कॉलोनी में वंशिका कटारिया की चेन खींचने की कोशिश की गई थी। साईनाथ कॉलोनी की वंशिका अपनी मित्र ऐश्वर्या के साथ शिवाजी पार्क कॉलोनी आई थी। इसी दौरान स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश ने वंशिका की चेन खींची थी, लेकिन जल्दबाजी में वह केवल पैंडल ही ले जा पाया था। पैंडल की कीमत 80,000 रुपए आकी गई है। इधर से जा रही थी टेलर के पास कपड़े देने, तो एक आदमी आया स्प्लेंडर पे, सिंगल ही था, कोई साथ में नहीं था उसके। उसने एकदम स्लो स्पीड करी और एकदम से जोर से गले में हाथ डाला, जिसमें मेरा पेंडेंट दिख रहा था। उसने वो खींचा, पर पेंडेंट शायद उसके हाथ में रह गया और चेन नीचे टूट के गिर गई। अच्छा, तो काई से आया था, बाइक से आया था? बाइक से था वो, स्प्लेंडर थी। स्प्लेंडर थी, पकड़ने की कोशिश करी उसने? हमने नहीं पकड़ने की, क्योंकि मैं ब्लैंक हो गई थी बिल्कुल। उसने इतनी जोर से करा कि मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा था, एकदम शिवरिंग हो रही थी। मेरी फ्रेंड ने ही देखा बाइक। तो आप कहाँ रहते हैं इसे? हम लोग साईनाथ नगर किडू स्कूल के पास। यहाँ पे कपड़े डालने आए? हाँ, मेरी फ्रेंड को डालने थे तो उनके साथ आई थी। तो आपने देखा आज का बुलेटिन, कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।